वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप ये सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं वोकैबुलरी से, और आज का पहला शब्द है स्पोराडिक। सबसे पहले तो डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पोराडिक का मीनिंग होता है रुक रुक के, तो कोई चीज रुक के हो रही है, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, तो वो चीज कैसे हो रही है? स्पोराडिक हो रही है। लास्ट में आईसी है तो पार्ट ऑफ स्पीच किया हो गया एडजेक्टिव। तो कोई चीज जो इरेग्युलर इंटरवल्स पे हो रही है, बहुत कहीं कहीं हो रही है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, आइसोलेटेड है, मतलब रेगुलर नहीं है, ओकेजनल है, इनफ्रिक्वेंट है, इरेग्युलर है। एंटोनिम्स क्या हो गए? कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल रेगुलर है, बिल्कुल फ्रिक्वेंट है, नॉर्मल हो रही है। तो देयर वर इरेग्युलर मीन्स रुक रुक के बारिश हो रही थी पूरे दिन, शावर्स मीन्स बारिश की बूंदे आ रही थी, तो रुक रुक के बारिश हो रही थी। अगला वर्ड है विशिएट करना। विशिएट जो वर्ड होता है ना, ये विश, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है जनरली, ये नेगेटिव चीजों में आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर की टोन विट्रियोलिक कभी कभी होती है। कैसी होती है? विट्रियोलिक, या फिर वाइट्यूपरेटिव होती है। इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों शब्दों का मतलब होता है ऑथर की जो टोन है वो कैसी है, बहुत ही खराब है, मतलब ऑथर ने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बातें करी है। तो ऐसी टोन को हम विट्रियोलिक टोन, वाइट्यूपरेटिव टोन, ये वीआईटी आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म्स है। और विशिएट करने का मतलब क्या होगा? किसी चीज को स्पॉइल कर देना, किसी चीज को खराब कर देना, तो ये भी नेगेटिव ही शब्द है। अब एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो आप क्या कर रहे हो? किसी की क्वालिटी, किसी की एफिशिएंसी को क्या कर रहे हो? स्पॉइल कर रहे हो, खराब कर रहे हो, करप्ट कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, इम्पेयर कर रहे हो। उसका मतलब क्या है? आप उसकी चीजों को क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? इम्प्रूव कर रहे हो, इनहेंस, अच्छा कर रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, मार, MAR, इस पर डबल स्टार मार्क करके लिखेगा। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका मीनिंग भी क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी चीज को स्पॉइल करना, किसी चीज को खराब कर देना। तो जो स्कैंडल हुआ, जो घोटाला हुआ, उसने क्या किया? पब्लिक का जो ट्रस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको क्या कर दिया? विशिएट कर दिया। विशिएट कर दिया मीन्स उसको खराब कर दिया, बेकार कर दिया, मतलब पब्लिक का ट्रस्ट ही इरोड कर दिया। इसको एक और क्या लिख सकते थे? इरोड कर दिया मीन्स खत्म कर दिया। चलो अगला शब्द प्रूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार 85 बार एग्जाम में आ चुका है। कोई इंसान प्रूडेंट होता है इसका मतलब क्या? उसके अंदर दिमाग होता है। कोई इंसान प्रूडेंट होता है इसका मतलब क्या है? वो बहुत सोच समझ के काम करता है, बहुत केयरफुल होके काम करता है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को हम प्रूडेंट बोलते हैं। किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो प्रूडेंट इंसान वाइज होता है, जुडिशियस होता है, सेगेशियस पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला होता है, केयरफुल होता है ऐसा इंसान। क्या होता है? केयरफुल होता है, कॉशियस होता है ऐसा इंसान, चेरी होता है ऐसा इंसान, ऐसा इंसान डेक्स्ट्रस भी होता है। डेक्स्ट्रस मीन्स बहुत स्किल का यूज करता है। एड्रॉइट भी कभी कभी बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट लगभग मैच करते हैं। एड्रॉइट का मीनिंग भी क्या होता है? स्किल्स लगाने वाला होता है। ऐसा इंसान बहुत ही एस्ट्यूट होता है। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, वाइज होता है ऐसा इंसान। आप कह सकते हो क्या होता है? ऐसा इंसान कैनी होता है। कैनी का मीनिंग भी क्या होता है? दिमाग वाला होता है। श्रियूड होता है। श्रियूड का मीनिंग क्या है? दिमाग लगाने वाला होता है, चालाक होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स। मेटिकुलस होता है, राइट? मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है? बहुत केयरफुली काम करता है, बहुत सोच सोच के काम करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? मेटिकुलस होता है। तो ये सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? ऐसा इंसान जो बहुत दिमाग लगा के काम करता है। एंटोनिम्स क्या हो गए? रेकलेस है, केयरलेस है, इम्प्रूडेंट है, केयरलेस है, मतलब बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, दिमाग लगाता ही नहीं है। तो इट इज प्रूडेंट, ये बात बिल्कुल सही है, वाइज है कि आप कुछ पैसा कमाओ, किसके लिए? फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए। तो मैम रैशनल होता है, बिल्कुल सही बात है, रैशनल होता है। रैशनल का मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल होता है। अच्छा, रैशनल और रेशनल में सभी को डिफरेंस पता है ना? रैशनल क्या होता है? रैशनल का मीनिंग होता है लॉजिकल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये जो शब्द है ये एडजेक्टिव होता है। एक और वर्ड होता है रेशनल, उसमें क्या फर्क होता है? एल ई आ जाता है। ये क्या होता है? लॉजिक। इसका ये क्या होता है? एक नाउन होता है। ऐसे ना बहुत बार एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे ये वर्ड यूज होना होता है तो ये लगा देते हैं, ये लगाना होता है तो ये यूज कर लेते हैं, और पूछते हैं किस पार्ट में एरर है। तो
तो इसको बहुत डबल स्टार मार्क करके लिखे। एडमेंट, जिद्दी, जो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार ना हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? एडमेंट, जिद्दी। ये भी एडजेक्टिव इंसान की बात हो रही है। इसके भी कुछ सिनोनिम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पगनेशियस। पगनेशियस लोग कौन होते हैं? बड़े जिद्दी होते हैं पगनेशियस लोग। ऑब्ड्यूरेट, ये लोग क्या होते हैं? बहुत जिद्दी होते हैं। ऑब्स्टिनेट, ये लोग क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं, भाई मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये लोग कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, अनयील्डिंग होते हैं, ना झुकने वाले होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, रिजोल्यूट, मतलब हम नहीं बदलेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं? एडमेंट होते हैं। एंटोनिम्स, भाई फ्लेक्सिबल है, ठीक है यार, यील्डिंग है, मान गए, कॉम्प्लायंट है, तुम्हारी बातें मान गए। कॉम्प्लायंट पे डबल स्टार मार्क कर लूं, कॉम्प्लायंट मीन्स सामने वाले की बात मानने वाले। तो ही वॉज एडमेंट, वो इस बात को लेकर जिद पे अड़ा था कि वो अपनी पोजिशन से रिजाइन नहीं करेगा। इस चीज को लेके वो क्या था? इस चीज को लेके वो जिद्दी था, इस चीज को लेके वो रिजिड था। अगले वर्ड पे आते हैं, एपेथी। इसमें अगर आप रूट वर्ड देखोगे तो रूट वर्ड क्या है? पैथोस। पैथोस का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग्स। किसी वर्ड के आगे ए लग गया या एन लग गया या डिस लग गया या अन लग गया और ये प्रिफिक्सेस की तरह लगे हैं तो इनका मीनिंग हो जाता है नो। तो एपेथी मीन्स आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है उस इंसान की तरफ, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई एंथुजियाज्म ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स एपेथी है। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन है। इनडिफरेंस मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अनकंसर्न, कुछ भी करो मुझे नहीं फर्क पड़ता। लिथार्जी, आलस। वैसे लिथार्जी का मीनिंग क्या होता है? आलस्य, मतलब आप एक्टिव ही नहीं हो, एंथुजियाज्म ही नहीं है। तो ये सारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स, आप इंटरेस्टेड हो, आपके अंदर एंथुजियाज्म है, आपके अंदर पैशन है। तो गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है यूथ को एंगेज करने का, लेकिन वो कैसे मीट हुआ? वाइड स्प्रेड में सब जगह एपेथी, मतलब लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया इस चीज में, लोगों ने कोई फीलिंग्स ही नहीं दिखाई इस चीज को लेके। यहीं से दो तीन वर्ड्स और आ जाते हैं, बहुत बार बताती हूँ। सिंपैथी का मीनिंग क्या होता है? आपको सामने वाले के ऊपर दया की फीलिंग आ रही है, हाय बेचारा बच्चा, हाय बेचारा इंसान, दया की फीलिंग आ रही है, तो आपके वो क्या हो रही है? सिंपैथी आ रही है। एम्पैथी क्या होता है भाई? एम्पैथी होता है आप दूसरे वाले की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हो। अरे उसने ऐसा किया तो उसको कैसा फील हुआ होगा यार, मैंने उसको ऐसा बोला तो उसको कैसा फील हुआ होगा। तो एम्पैथी मीन्स आप अपने आप को दूसरे के शूज में रख पा रहे हो। अपने आप को दूसरे के शूज में रख पा रहे हो का मतलब क्या है? आप दूसरों की को फील कर पा रहे हो, मीन्स यू कैन पुट योरसेल्फ इन अनदर्स शूज। दूसरे वाले के जूते में अपने आप को रखना मीन्स उसके वो फील कर पाना। फिर एक होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। एंटीपैथी मीन्स दुश्मनी की फीलिंग होना। क्या कह सकते हैं इसको? इसको आप कह सकते हो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वहां लिखा नहीं जा रहा, एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या होता है? दुश्मनी। एंड और क्या कह सकते हैं इसको? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है? दुश्मनी। बेलिजरेंस। बेलिजरेंस का मीनिंग क्या होता है? दुश्मनी। तो ये सारे के सारे क्या है? एंटीपैथी के सिनोनिम्स। चलो अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सियरिंग। सियरिंग मीन्स हद से ज्यादा, मतलब एकदम जला देने वाला, उसको क्या बोलते हैं? सियरिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस, बिल्कुल जला दे कोई चीज आपको, वो चीज कैसी होती है? सियरिंग होती है। स्कॉर्चिंग, ब्लेजिंग, इंटेंस। एंटोनिम्स क्या हो गए? एकदम माइल्ड सी है, कूल सी है, जेंटल सी है। तो जला देने वाली जो गर्मी थी इसने मुश्किल कर दिया। क्या मुश्किल कर दिया? कि हम दिन में बाहर निकल पाए। जला देने वाली गर्मी मीन्स सियरिंग, स्कॉर्चिंग, ब्लेजिंग, इंटेंस। अगला वर्ड है इंसिनुएटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चार पांच स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इंसिनुएटिंग मीन्स आपने हिंट दे दी कि भाई इसकी तरफ कुछ हिंट दे दी, डायरेक्ट नहीं बताया, इनडायरेक्ट हिंट दी, तो उसको क्या कहते हैं? आपने इंसिनुएट किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया, तो इनडायरेक्ट हिंट देना इज व्हाट? इंसिनुएट करना। सजेस्टिंग और हिंटिंग समथिंग बैड एंड इनडायरेक्ट एंड अनप्लेजेंट, आप डायरेक्टली नहीं बता रहे, इनडायरेक्टली बता रहे, इम्प्लाय कर रहे हो, हिंट कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स आपने डायरेक्टली बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो वो इस बात की हिंट दे रहा था कि मैंने जो है अपनी क्वालिफिकेशंस को लेके क्या हुआ है, झूठ बोला है, तो इस बात की वो इनडायरेक्ट हिंट दे रहा था।
को देख के हमेशा एक ही गाना मुझे याद आता है, मैं परेशान परेशान परेशान। तो क्या बोलोगे आप? मैं पेट्रब्ड, मैं पेट्रब्ड, मैं पेट्रब्ड मीन्स परेशान है कोई इंसान। इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एंशियस है, अनसेटल्ड है, अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, ट्रबल्ड है, एजिटेटेड है, सबका मीनिंग क्या है? परेशान है। एंटोनिम्स, बड़ा सुकून में है, शांत है, कंपोज्ड है, अनट्रबल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में, जिंदगी बढ़िया चल रही है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी किस चीज से? उसके बिहेवियर में जो सडन चेंज आया था वो उस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान। इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड भी। इसके जैसा एक और वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, जो पेस्टर करना होता है। आप किसी इंसान को पेस्टर करते हो, PESTER, इसका मीनिंग क्या होता है? आप उस इंसान को इरिटेट करते हो। ये वर्ड इतना नहीं आया जितना ये वाला वर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो उसको 3-4 स्टार मार्क करके लिख लेना। किसी को पेस्टर करना, पेस्टर करने का मतलब क्या है? आप उस सामने वाले इंसान को क्या कर रहे हो? इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो। एक और वर्ड होता है वैक्स कर रहे हो। वैक्स करने का मतलब भी क्या होता है? आप उसको परेशान कर। मैम आपके वर्ड्स जब एग्जाम्स में दिखते हैं ना तो आपके गाने याद। अच्छी बात है भाई। चलो अब आ जाते हैं कुछ इडियम्स पे। तो पहला इडियम क्या है? टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स खेल रहे हो क्या? मतलब तुम तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे यार, तुम्हें तो बच्चों वाला गेम लग रहा है। तुम तो बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हो? केयरलेसली कर रहे हो कामों को। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स एक गेम था जो बच्चे खेलते हैं। इसका मतलब क्या? बहुत केयरलेसली काम कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो भाई। अगला है डैगर्स ड्रॉन। तलवारें उठा ली हैं दोनों ने एक दूसरे के सामने। इसका मतलब क्या? एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। बिटरली मीन्स बहुत कड़वाहट के साथ, हॉस्टाइल मीन्स दुश्मन बन गए। तो जानी दुश्मन बन जाने को क्या बोलते हैं? कि दोनों ने तलवारें उठा ली। गेट आउट ऑफ हैंड, यानी मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? यानी मेरे कंट्रोल से निकलता जा रहा है। इट इज गेटिंग आउट ऑफ माई हैंड मीन्स इट इज गेटिंग आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, हिंदी में बोलते हैं क्या? बोलते हैं हिंदी में कि यह किडनी बेच के आईफोन खरीदना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाथ पैर बेचना पड़ेगा भाई आईफोन खरीदने के लिए। तो हिंदी का किडनी और इंग्लिश का आर्म और लेग, दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा है, वेरी एक्सपेंसिव, हद से ज्यादा एक्सपेंसिव। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, मतलब उसको चिढ़ाना, टीज करना। वाई आर यू पुलिंग माई लेग मीन्स तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे थे, मीन्स टीज समवन।